रस बोमा पकाउथुबा को आपण देखुछंती खबर फटाफट पांच दिने पहुंचला पालेस्टाइन इज्राएल युद्ध तीन हजार अधिक लोकों जीवन गलानी मृतकों मध्ये अच्छा इज्राएल शहे अणस्तरी जवान उभय पक्ष मध्ये जारी रही घमाघोट लड़ई छारखार हो गलानी गाजा युद्ध बंद करने को भारत हस्तक्षेप दावी कला पालेस्टाइन भारत अवस्थापित पालेस्टाइन राष्ट्रदूत अबू एलहेजा कहते भारत इज्राएल पालेस्टाइन भल बंधु तेणु उत्तेजना ह्रास करने को भारत हस्तक्षेप करिबा आवश्यक एलहेजान मंतव्य को अति गुरुत्वपूर्ण मन कर कारण भारत इज्राएल उपर हमास आक्रमण को आतंकवादी आक्रमण बोली यार कड़ा निंदा कर मध्यप्राच्य सृष्टि होता युद्ध परिस्थिति पर इज्राएल को दायी करलहेजा तेज अलहेजा आहरी साधारण नागरिकों हत्या को पालेस्टाइन विरोध करुच्चार शांतिपूर्ण समाधान चाहू भारत एथेर हस्तक्षेप कर समस्या समाधान करने दरकार खोजी खोजी मारूँ इज्राएल धुआं धुआं गाजा स्ट्रीप इज्राएल काउंटर आटाक्रे मटी में मिशवाक जाऊँगी हमास गड़ निजर नागरिक पणबंदी सत्वे हमास निपात सब बड़ लगे इज्राएल तेज सतरश आतंकी सफा होता बड़े सीमार देखा मात्र गोली मार निर्देश अच्छे से पालेस्टाइन सीमा सतर्क रही इज्राएल सेना इज्राएल पक्ष गाजा सीमा निकट में एक लक्ष सैनिक मुतयन कर आहुरी तीन लक्ष रिजर्व सैन्य को प्रस्तुत रहा हमास को पूरा सफा करने को राति दिन एक कर इज्राएल सेपटे प्राय दुई लक्ष लोक गाजा स्ट्रीप छाड़ा बेले निज लोक सुरक्षा देवाक इज्राएल चिड़ा कर ट्यांग प्राचीर हेले हमास भी पछक हटुनी गाजर इज्राएल उपर रकेट पड़ुछि और बोमा बर्षुछि तेल अबीब्र सुरक्षा बल भेद करी हमास करुछि रकेट माड़ हमास आक्रमण में देखिए कि इज्राएल हजार जनकर जीवन गलानी सेपटे हमास साथी लेबानन इज्राएल उपर रकेट माड़ कर फल युद्ध में अन्य पक्ष मुंड खेलाउ इज्राएल पारा बढ़ी जा इज्राएल पालेस्टाइन युद्ध आहुरी भयंकर रूप नहीं पारे कारण एवं दुई देशर मित्र राष्ट्र युद्ध सहायता बढ़ाई इज्राएल उपर लेबानन रकेट माड़ करने इज्राएल पलटा जवाब दे लेबानन उपरे मिसाइल माड़ कर इज्राएल लेबानन सीमा भितर मिसाइल माड़ धुआं उठुवार देखा मिली दुई देशर सीमार सृष्टि उत्तेजनामूलक परिस्थिति जातिसंघर सुरक्षा बल इज्राएल और लेबानन सीमांत अंचल में कड़ा नजर रखिंट घन घन पैंतरा मारूँ यूएन युद्ध टैंकर सैनिक मैंने चौबीस घंटिया अलर्ट मोड को चली आसी जेकोसी मुहूर्त में दुई देश मध्य आक्रमण आहुरी तीव्र हो पारे इज्राएल को युद्धास्त्र देला अमेरिका इज्राएल को सहायतार हाथ बढ़ाला अमेरिका युद्धास्त्र धरी इज्राएल पहुंचला प्रथम आमेरिक विमान नेवाटिन एयरबेस पहुंचला अमेरिकी विमान गतकाल नेत्यानाहू सहित फोन में कथा होते बाइडेन हमास आक्रमण करी महापाप करी बोली बाइडेन कहते गाजा स्ट्रीप विरोध में इज्राएल व्यवहार करुछि कि व्हाइट फस्फरस बोमा विभिन्न सोशल मीडिया रे एबे एही अभियोग रही इज्राएल सेना गाजा स्ट्रीप जनवसति अंचल में व्हाइट फस्फरस बोमा पकाउथुबार कहुछि उन्नीस अशी दशकु यह निषिद्ध किंतु विभिन्न समय भिन्न भिन्न देश यह व्यवहार करुवार अभोग रही ना सिना व्हाइट किंतु यह देखा हलदिया रसुण भली भयंकर गंध पुणी निया धरवे पेट्रोल और गैस ठार् आहुरी भयंकर थे निया लगे लिभा असंभव आ सब आश्चर्य कथा कि पवन बाजिले यह जल्दापम्रा केव जानती 815 डिग्री सेल्सियस जाए यार तापमात्रा ग्राउंड में पड़ा मात्रे एहा हुतुत हो व्यापी आदि मनुष्य शरीर किंवा पोशाक पड़ा यह शरीर टिश्यु हाड़ को जालीदेव चिकित्सा पर जल्बार संभावना अधिक तेरे
ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ବମ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସମେତ କିଛି ଦେଶର ସେନାକୁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା କାରଣରୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସେନାର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ବାଟ ବଣା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି ରାତିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବିରୋଧରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଫେନିଆନ୍ ଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଗୁଳିଚୋଟରେ ପଠାନକୋଟ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶହୀଦ କତାପ ନିହତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଠାନକୋଟ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତଥା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଖୋଜା ପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶହୀଦକୁ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ସିଆଲକୋଟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଆତତାୟୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ଲେତିଫ୍ ଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦର ସଦସ୍ୟ। 2016 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପଠାନକୋଟ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସିଆଲକୋଟରେ ଥାଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦର 4 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପଠାନକୋଟ ପଠାଇଥିଲା ଲେତିଫ୍। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 1994 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତାକୁ ଭାରତରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାର ପରେ ତାକୁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ସଂଚାର ଶେଷ ହେବା ପରେ 2010 ମସିହାରେ ତାକୁ ୱାଘା ସୀମାନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ପିପିଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ହାଇୱା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ଛାଡ଼ି କଟକରୁ ଫେରୁଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅମଳ ହେଲାଣି ଖରିଫ ଆଳୁ, ହେଲେ ସାଇତିବାକୁ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏ ବର୍ଷ ଅମଳ ହେବ 45,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଖିବାକୁ ଦେଖିବା କି ଅଛି ମାତ୍ର 5ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ତେଣୁ ଆଳୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୂଲ ମିଳୁନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା ଅତି ଉତ୍ତମ। ଚଳିତ ଋତୁରେ ଦେଖିବା କି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହେଉଛି ଆଳୁ। ଗତ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଏବେ ଅମଳ ହେଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାର 4,500 ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ ହୋଇଛି ଆଳୁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଳୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ତେନ୍ତୁଳି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିବାରୁ ଏହିଠାରେ ଆଳୁ ରଖିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଆଳୁ ନେବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସି ବେପାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତେବେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 1,45,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଜୟପୁର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଳୁ ରଖିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ରାତିରେ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଚେନ୍ ଏବଂ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଲୁଟେରା। ସୋମବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୁବୁଦ୍ଧି। ସିସିଟିଭିକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ମିଳିବ 55,000, ଏମିତି କିଛି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ମିଳିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ନୟାଗଡ଼ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଚକିତ କଲାଭଳି ତଥ୍ୟ ହେଲା ଠକେଇର ଶିକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ 20,000,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଆପ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜମାକାରୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏପିଏମ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ସ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଡ଼ ସାଇବର ଠକେଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀ।
कालीठारु मालकानगिरु शुभारंभ हेबो लक्ष्मी योजना रे बस सेवा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक योजनार शुभारंभ करिवे। ए बस सेवा मालकानगिरु आरंभ करि जिल्लार विभिन्न उपांत अंचल रे गडिबो। मालकानगिरु लक्ष्मी योजना रे 36 टी बस आसिबा कुथिबा बळे प्रथम पर्याय रे 15 टी बस मालकानगिरु को आसिछि। बंडा घाटी स्वाभिमान अंचल रे बेस सहायक हेबो। पूर्व एहा को विरोध करा जाउथिले मध्ये एबे समस्त योजना को समर्थन करूछथि। निकटरे लक्ष्मी योजनार बस कर्मचारी सहित आलोचना करते 5T सचिव। यही समय 3S बा सुरक्षा सुविधा सम्मान उपरे गुरुत्व देई निस्वार्थपर सेवा जोगाई देबाकु परामर्श देथिले। जमीबाड़ी को केन्द्र करी गंडगोल एभली घटना घटी। भद्रक सहर बंद छक स्थित डालचीनी होटेल निकटे निशारी और होटेल बालिकों भितर जमीबाड़ी को केन्द्र कर गंडगोल होता बेले किसी निर्दिष्ट संप्रदायर युवक मैंने तक अटकई पर भूचाली माड़े तीन जन गुरुतर होती। आहतों भद्रक मेडिकल चिकित्सा भर्ती कर समय किसी निर्दिष्ट संप्रदायर लोके उत्तेजित हो परस्पर को आक्रमण करते मेडिकल परिसर में पुलिस उपस्थित में उभयों मध्य छेलापेला होगा सहित पिटापिटी चली कि समय रणक्षेत्र पलटि जाता पूरा अंचल। भद्रक मेडिकल परिसर में सिटी डीएसपी समेत टाउन थाना अधिकारी ग्रामांचल थाना अधिकारी पुराणा बजार थाना अधिकारी पहुंची उत्तेजित लोकमानों को बुझसुझा करने सहित परिस्थिति को नियंत्रण पर लाठीचार्ज करने को पड़ा। वर्तमान मेडिकल परिसर में परिस्थिति शांत अछि। भुजाली आक्रमण में तीन जन जड़क कटक मेडिकल को स्थानांतर कर दुज मेडिकल चिकित्सित होती। मेडिकल परिसर में व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कर स्थानीय तहसीलदार उपस्थित रही शांति श्रृंखला बजाय रखिंट। पुणी थे ईडी राडारे आम आदमी पार्टी संजय सिंह को गिरफ करने पुणी जड़े विधायकों पर झुलुची ईडी खंडा। आ विधायक जनक हो आप विधायक अमंतुला खान। ईडी पक्षर घर समेत विभिन्न स्थान में रेड कर दिल्ली वाकफ बोर्ड अध्यक्ष थे अमंतुला बहु अर्थ हड़प कर अभियोग होना पूर्व मामला होता बेले ईडी एवं मनी लंड्रिंग जांच आरंभ कर दिल्ली वाकफ बोर्ड अध्यक्ष भाव में कार्यरत ता से 32 जन को बेनियम भाव में भर्ती कर अभियोग। दिल्ली वाकफ बोर्ड तत्कालीन सीईओ एने बृत्ति जारी करते बाद से दिल्ली वाकफ बोर्ड बहु संपत्ति बेआईन भाव में भड़ा सूत्र निजे लाभवान होता अभियोग। गत वर्ष एंटी करप्शन ब्यूरो सेप्टेम्बर में अमंतुला को पचराउचरा कर विभिन्न स्थल में चढ़ाव कर प्राय 24 लाख टंकार क्याश जबत कर बेआईन भाव में व्यवहृत होता बहु बंधुक गोली भी जबत कर विरोध होदंत। पूर्व अबकारी नीति दुर्नीति घटन ईडी संजय सिंह को गिरफ्त कर सारी। सफेई कर्मचारी कार्यबंद आंदोलन मासिक दरमा 15,000 टंका को वृद्धि अन्यान्य दाबी नहीं बीएमसी सफेई कर्मचारी कार्यबंद आंदोलन। एक हजार अधिक कर्मचारी आंदोलन को ओल्लाई ठिका घर संस्था और बीएमसी समाधान न करने पर्यंत आंदोलन चेतावनी देते राजमहल चक्र सफेई कर्मचारी प्रतिवाद कर। प्रतिवाद फल निर्दिष्ट घरे संस्था ठिका नहीं अंचल आज सफेई बंद रही सफेई कर्मचारी कहते जेपर्यंत बीएमसी अधिकारी और घरे संस्थार कर्तृपक्ष आसे आलोचना न करे से पर्यंत आंदोलन जारी रहा और सफेई कार्य बंद र। ১৯৮০ दशकु यह निषिद्ध किंतु विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न देश यह व्यवहार करुवा अभोग रही ना सिना ह्वैट किंतु यह देखा हलतिया रसुण भली भयंकर गंध पुणी निया धरवे पेट्रोल और ग्यास ठू भी आहरी भयंकर थे निया लगे लिभाइवा असंभव। आउ सबुठ आश्चर्यकर कथा पवन बाजिले यह चल 815 डिग्री सेलसीयस जाए यार तापमात्रा रही ग्राउंड में पड़ा मात्रे यह हुतुहुत हो जली थाए। आउ जदि मनुष्य शरीर में किंवा पोशाक पड़ा तेज शरीर टिश्यू हाड़ आदि को जाली थाए। ह्वैट हाउस फस्फरस बोमा निषिद्ध होते आमेरिका समेत किसी देशर सेना यह गुप्त व्यवहार कर खोजी खोजी मारुची इस्राएल धुआं धुआं गाजा स्ट्रीप। इस्राएल काउंटर आटाक्रे मटी में मिशवाक जामास गड़
निज नागरिक पणबंदी सत्वे हमास निपात पर सबु बल लगाई इस्राएल 1700 आतंकी सभा होता बेले सीमार देखा मात्रे गुड़ मार्वाक निर्देश रही इस्राएल पक्ष गाजा सीमा निकटें 1,00,000